हेलो। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। एक प्रेप स्कूल में एक कक्षा में 50 छात्र में से 50 में से मतलब टोटल छात्र कितने हैं जी 50 और 50 में से बोला है 50 में से 30 लड़कियां। भाई 30 कौन है इसमें, 50 में लड़कियां हैं, 50 में से 30 लड़कियां हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, 30 लड़कियों का औसत वजन 16 है। भाई इनका जो एवरेज वेट है वो कितना दिया हुआ है 16। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन में क्या बोले। और शेष छात्रों का वजन, शेष हम मान लेते बॉयज होंगे, ठीक है, शेष कितने बचे 20 और ये क्या होंगे बॉयज। देखो जब कभी आपको लग रहा है कि इनका जो HCF है वो कॉमन है, मतलब अगर बोला जाए HCF से डिवाइड हो रही है या फिर ऐसी कोई संख्या जिससे भाग हो रही है तो 18 उनका कोई मतलब नहीं होता। टोटल हो गए 5 बच्चे, 3 लड़कियां हो गई उसमें और 2 लड़के हो गए, समझ गए। फिक्स मेथड है, बेसिक वीडियो देखो क्लियर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ये हो गया। अब क्वेश्चन ने लड़कियों का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है 16 है और यहीं पे अगर मैं बात करूं इनकी तो 15.5 केजी। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछे, तो कक्षा में सभी छात्रों का मतलब 5 का, ठीक है मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 × 3 = 48। यहां हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10 = 0, 1 कैरी 2 × 5 = 10 = 11, 2 × 1 = 2 = 3, 1 पॉइंट है तो इस 0 को हटा देते हैं, ठीक है 31.0 हो जाएगा। तो ये तो किसी काम का नहीं है, 31 बचा हमारे पास और ये बचा 48। सिंपली अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेंगे, क्यों, क्योंकि 3 और 2 को मिलाने से 5 बनता है, इसी तरह 31 और 48 को मिलाने से कितना बन जाएगा 79 और 79 को डिवाइड किससे दे देना 5 से, क्योंकि सभी पूछा है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 × 5 = 25, बचे कितने 4/5। तो देख लेते हैं ऑप्शन में हमारे पास 15 पॉइंट में दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं इसे भिन्न में ले जाते हैं। तो 4/5 कितना होता है हमारा 80 होता है, तो 15 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो 15 पॉइंट 80 एकदम करेक्ट आंसर होगा।